वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का हमारा जो काम है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था, जिस सबक हमने पढ़ाई की थी, वो था उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, मश्क करेंगे, ओके। जिसमें सबसे सवाल नंबर वन है, दिए गए सवालों के जवाब लिखिए, ठीक है? ये आपने अपने अपने पास मार्क करने हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स कुछ क्या आप ढूंढेंगे, कुछ के चले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद और वालदा का नाम लिखिए। ये तो बहुत इजी है, ये आपने खुद से सर्च करना है और इसको आपने एज अ नोट अपने पास लिख लेना है, ताकि जब हम अपने क्लास में इसको अपनी नोटबुक्स पर लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपने इसके चैप्टर के सबक के स्टार्ट में ही जो है लिखा हुआ है कि उनका ताल्लुक किस कबीले से था, ठीक है? फर्स्ट दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री, आप रज़ियल्लाहु अन्हा अपने कबीले में किस लकब से मशहूर थी? इस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से समझा था, लकब क्या होता है और उनका लकब क्या था, ये भी बहुत एक वर्ड का आंसर है। ये एज इन आप ये आंसर अपने इस क्वेश्चन के आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? इनके वालिद और वालदा का नाम भी आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें और इसके आगे लिख सकते हैं। हज़रत जय का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था, ये भी आप लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिख सकते हैं। आप अपने कबीले में किस लकब से मशहूर थे, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके लिए आप लाइन यहाँ नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में क्या इरशाद फरमाया, क्या कहा था उन्होंने उनके बारे में, जो चैप्टर के बिल्कुल सबक के लास्ट पे था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के बारे में फरमाया, मुझे इससे बेहतर और मेहरबान रफ़ीका हयात नहीं मिली। तो ये है जी आपका आंसर, और इसको आपने यहाँ आगे ही इस क्वेश्चन के लिख देना है, ठीक है? आई होप आपको सब क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे। अब उसके बाद हमारा सवाल नंबर है दो, दर्ज है अल्फाज इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनके मायनी वाजिया हो जाएं, ठीक है? यानी कि जो चार वर्ड उन्होंने दिए हैं, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है इस तरह से कि उनका मीनिंग समझ आ सके पढ़ने वाले को, ठीक है? सबसे पहला वर्ड है हमारे पास सदाकत, उसके बाद है हमारे पास विलादत, फिर है जहानत, और फिर है कामयाब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जुमला बना के बताती हूँ, फिर बाकी के आपने खुद बनाने हैं। सदाकत, सदाकत का हम जुमला बनाएंगे, हाँ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत से बहुत मुतासिर थी, ठीक है? यानी उनकी सच्चाई से, उनकी ईमानदारी से। इसमें आप जाहिर हो रहा है ना कि इसका मीनिंग क्या है, क्या जुमला बन रहा है। इस तरह के आपने और जुमले बनाने हैं बाकी के तीन वर्ड्स के, ठीक है? उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इस पेज पे, जो पेज नंबर है एट हमारा, इस पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर तीन, दर्ज ज़ैल तोड़ के जोड़ लिखिए, ठीक है? जोड़ कीजिए, जोड़ उन्होंने हमें दिए हुए हैं और तोड़ आपने खुद करने हैं। फर्स्ट वर्ड है निकाह, दूसरा है शराफत, फिर है सखावत, फिर है इस्लाम, और फिर है सौंप, ठीक है? इन वर्ड्स को आपने तोड़ के लिखना है, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास सदाकत, उसके बाद है हमारे पास विलादत, फिर है जहानत, और फिर है कामयाब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जुमला बना के बताती हूँ, फिर बाकी के आपने खुद बनाने हैं। सदाकत, सदाकत का हम जुमला बनाएंगे, हाँ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत से बहुत मुतासिर थी, ठीक है? यानी उनकी सच्चाई से, उनकी ईमानदारी से। इसमें आप जाहिर हो रहा है ना कि इसका मीनिंग क्या है, क्या जुमला बन रहा है। इस तरह के आपने और जुमले बनाने हैं बाकी के तीन वर्ड्स के, ठीक है? उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इस पेज पे, जो पेज नंबर है एट हमारा, इस पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर तीन, दर्ज ज़ैल तोड़ के जोड़ लिखिए, ठीक है? जोड़ कीजिए, जोड़ उन्होंने हमें दिए हुए हैं और तोड़ आपने खुद करने हैं। फर्स्ट वर्ड है निकाह, दूसरा है शराफत, फिर है सखावत, फिर है इस्लाम, और फिर है सौंप, ठीक है? इन वर्ड्स को आपने तोड़ के लिखना है, ठीक है? और नाइन पे है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, सवाल नंबर चार है, दिए गए वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें, यानी ऐसे
دیے ہوئے ہیں ایسا ورڈ جس کا اس کا ہم واحد لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور جو واحد ہے اس کی ہم جمع لکھیں گے. واحد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، مثلا کرسی، لکڑی وغیرہ، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو سنگل ہو، ٹھیک ہے، اکیلی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں واحد. ٹھیک ہے، جیسے کرسی ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، مطلب یہ سنگل سنگل لوگ ہیں نا، ایک ایک لوگ ہیں، تو اس لیے واحد ہوں گے. اور جو جمع ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، یعنی جب وہ دو چیزیں ہوں گی تو بھی وہ جمع میں آئیں گی، اور اگر دو سے زیادہ ہوں گی تو بھی وہ جمع ہوں گی، جیسے کرسیاں، لڑکیاں، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے واحد ہیں اور کون سے جمع ہیں، تو پھر ہم ان کو اس حساب سے لکھیں گے. فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس مہینہ. تو مہینہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ واحد ہے یا جمع. یہ اپریل کا مہینہ ہے، تو یہ جمع ہوگا یا واحد ہوگا؟ بالکل یہ واحد ہوگا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مہینے. ٹھیک ہے، یعنی ایک سال میں 12 مہینے ہیں، تو یہ زیادہ ہو گئے، تو اس کا جمع کیا ہوگا مہینے کا؟ مہینہ کا مہینے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ٹہنیاں. اب ٹہنیاں جمع ہے یا واحد ہے؟ جیسے اس درخت کی بہت سی ٹہنیاں ہیں، تو اٹس مین کہ یہ جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ ٹہنی. ٹھیک ہے، جیسے ٹہنی ٹہنیاں، اب اس نے انہوں نے ہمیں جمع دیا ہوا، تو اس کا ہم واحد لکھیں گے ٹہنیاں ٹہنی. اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورڈ مٹکے. یہ تو آپ کو پڑھنے سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، جمع، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ مٹکا. ٹھیک ہے، یعنی جس میں وہ پانی بھرتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں مٹکا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مٹکے. اوکے جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ورڈ چارپائی. چارپائی آپ کو پتا ہے، جیسے پرانے ٹائم پہ چارپائی پہ لوگ سوچتے، اب تو بیڈ آ گئے ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ چارپائی بہت جی ہے، بالکل بہت سے لوگوں کے گھروں میں ہوگی. اوکے جی، چارپائی ہے جی سنگل، یعنی واحد ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ چارپائیاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تکیہ، یعنی پلو، سب کے گھر میں ہوتا ہے تکیہ، یعنی تکیہ ہے تو سنگل، یعنی واحد ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ تکیے. اوکے، اب نیکسٹ اور لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس احادیث. یعنی یہاں سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ حدیث. تھا جی ہمارا کوشچن نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے جو اس پیج پہ آخری ہے، پیج نمبر 9 پہ. دیے گئے حروف کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے. ٹھیک ہے جی، پہلے کیا ہے ہمارے پاس، انہوں نے ڈیفینیشن ہمیں بتانی ہے حرف کے، حرف کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورڈ کیا ہوتا ہے. یہ وہ کلمہ جو نہ تو کوئی اسم ہو اور نہ ہی کسی کام کو ظاہر کرے، بلکہ دو لفظوں کو ملائے، یعنی اسم اور فعل کے درمیان آ کر جملے کا مطلب پورا کر دے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں وہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ کوئی بھی کلمہ ہے، حرف، جو نہ تو خود کوئی اسم ہے اور نہ ہی کسی کام کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ دو لفظ کو ملتا ہے، مطلب ایسا وہ لفظ ہے جو ہمارا سینٹینس کمپلیٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یعنی اس کے بغیر ہمارا سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوگا اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا بات کی جا رہی ہے یا کیا پوچھی جا رہی ہے یا ہم نے بات کو کیسے کنوے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس کا ایگزامپل انہوں نے دیا ہوا ہے، مثلاً اکرم نے اسلم سے بات کی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب ہم یہ دونوں کٹ کر دیتے ہیں، اکرم اسلم بات کی. اب آپ میں کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے کس سے بات کی، کیا ہوا اس میں، مطلب یہ دیکھیں نا، بالکل بے ترتیب سا جملہ ہو جائے گا، اکرم اسلم بات کی. اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اکرم نے اسلم سے بات کی. اب یہ جو حرف ہیں دونوں، انہوں نے، ان حروف نے ہمیں ان کو، اس سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے میں مدد کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس میں. اور اس مثال میں جیسے ہم آگے پڑھیں گے، اس مثال میں نے اور سے حروف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ نے اور سے حروف ہیں جنہوں نے ہیلپ کی ہے ہمارا یہ سینٹینس پورا کرنے میں. اب پور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سینٹینس ہم نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. فرسٹ ہے ہمارے پاس حضرت حتیجہ - لقب طاہرہ ہے. اب یہ دیکھیں، جیسے کہ سینٹینس انکمپلیٹ ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. اس سینٹینس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے حرف لگا کے. جیسے حرف کی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، کا، کی، کے، نے، سے، کو، اس طرح کے ایگزامپلز ہیں جو ہمارے سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، یہ حرف ہیں. ٹھیک ہے، حضرت حتیجہ کا لقب طاہرہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت حتیجہ کی لقب تو نہیں ہو سکتا نا، نے لقب تو نہیں ہو سکتا، حضرت حتیجہ کا لقب طاہرہ ہے. اوکے، سیکنڈ ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ - عمر 40 برس تھی. اب یہاں کیا سوٹیبل لگ رہا ہے ہمیں، آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی، آپ رضی اللہ عنہ سے عمر تو نہیں ہو سکتا، نے بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رضی اللہ عنہ کی عمر
40 वर्ष थी। ये देखिए साइट पे उन्होंने हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि का, ने, से, के, ठीक है। थर्ड है हमारे पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप का जिक्र मोहब्बत और गम गसारी डैश करते थे, से करते थे। देखिए हमने का भी यूज कर लिया, हमने की भी यूज कर लिया, अब हमारे पास से, के और ने है, ठीक है ना। ये हमने का भी यूज कर लिया, ठीक है, और हमने की भी यूज कर लिया, अब हमारे पास ने, के और से है। तो क्या है, हज़रत मोहम्मद सलाम आप का जिक्र मोहब्बत और गम गुसारी से करते थे, तो यहाँ लिखेंगे हम से, इसको भी क्रॉस कर दिया। अब जी फोर्थ है हमारे पास वफात डैश वक्त आप की उम्र 65 साल थी। वफात की वक्त तो नहीं आ सकता, वफात के वक्त, के हमारे पास ऑप्शन बचा है के, वफात के वक्त आप की उम्र 65 साल थी। ओके जी, इस पेज पे फिफ्थ और लास्ट हमारे जो है, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा डैश इस्लाम कबूल किया। एक तो हमारे पास वर्ड क्या बचा है, ने। औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। ये सेंटेंस अब हमारा हो गया कंप्लीट। ओके जी, अब है हमारा पेज नंबर 10, सफा नंबर 10 है और सवाल नंबर है हमारा 6। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मुरक्कब अल्फाज बनाएं और लिखें। मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं, दो अल्फाज को मिलाकर जो नए बामायनी अल्फाज बनते हैं इन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। यानी एक वर्ड है और फिर सेकंड वर्ड है, उनको हमने कंबाइन कर दिया, मिला दिया और एक ऐसा वर्ड बने जिसके कुछ मीनिंग हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मुरक्कब अल्फाज। जैसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है हमारे पास, मसलन रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। जैसे रेल एक वर्ड है और गाड़ी एक वर्ड है, ठीक है। जब आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, रेलगाड़ी। अब आपको समझ आ रहा है कि रेलगाड़ी क्या है, ट्रेन को कहते हैं, ठीक है। ओके, अब आप हमारे पास है सेकंड, हवाई प्लस अड्डा, ठीक है, इज इक्वल टू हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट, ठीक है। ये हवाई एक वर्ड था, अड्डा एक वर्ड था, इनको हमने मिलाया और हवाई अड्डा हमारे पास एक मुरक्कब अल्फाज बन गया। यानी कोई भी ऐसे दो वर्ड जिनको मिलाने के बाद कोई भी ऐसा वर्ड बने जिसके कुछ मीनिंग हो, ठीक है, वो क्या होगा, मुरक्कब अल्फाज होगा। और इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल जो 3-4 उन्होंने हमें दिए हैं वो पढ़ते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। कॉलम अलिफ में सबसे पहले उन्होंने हमें वर्ड दिया हुआ है साहब, फिर है दयानत, फिर है बुलंद, और कॉलम बे में है किरदार, जादी और दारी, ठीक है। आपने मिलाना है कि क्या वर्ड होगा, साहब किरदार, साहब किरदार कोई वर्ड बनता है, नहीं। साहबजादी कोई वर्ड बनता है, यस। साहबदारी, नो। तो साहब को हम मिला देंगे जादी के साथ और यहां लिख देंगे साहबजादी, ठीक है, बेटी को कहते हैं साहबजादी। सेकंड है हमारे पास दयानत, दयानत को हम किरदार, दयानत किरदार, नहीं। दयानत दारी, यस, दयानत दारी। इन दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे हम और यहां लिख देंगे दयानत दारी यानी ईमानदारी, आपको पता है ये। ओके, सबसे अब लास्ट वर्ड है हमारे पास बुलंद किरदार, बिल्कुल ये मैच कर रहा है, बुलंद किरदार, बुलंद को किरदार से मैच करने के बाद हम यहां लिख देंगे बुलंद किरदार। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ आया तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब इस पेज नंबर 10 सफा नंबर 10 पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 7 है, जो दिए गए मुजक्कर के मोनस दरख्त में मौजूद हैं, उन्हें ढूंढकर दुरुस्त मुजक्कर के सामने लिखें। कौन सा दरख्त जी, ये वाला है दरख्त, इसमें उन्होंने हमें क्या दिए हुए हैं, मोनस दरख्त, दिए गए मुजक्कर के मोनस दरख्त में है, ठीक है। यानी मुजक्कर उन्होंने हमें दिए हुए और उसके हमें जवाब आप उन्होंने दे दिए हैं इस दरख्त में, इस ट्री में, और हमें ढूंढने हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि मुजक्कर क्या होता है, नर इसको मुजक्कर कहते हैं, मसलन भाई चाचा वगैरह, जैसे कि लड़के हैं जो हमारी क्लास में बॉयज हैं, ठीक है ना, ये मुजक्कर होते हैं। मेल को हम मुजक्कर कहते हैं, जैसे हमारे पापा हो गए, मम्मा हो गए, सॉरी पापा हो गए, भाई हो गए, हमारे कजन हो गए, चाचा हो गए, दादा हो गए, ये सब क्या होंगे, मुजक्कर। और मोनस मादा इसको मोनस कहते हैं, यानी फीमेल को, फीमेल में अब सब आ जाती हैं, आपकी बहन, दोस्त, भाभी, चची, मम्मा, दादी, नानी, सब आ जाती हैं, तो ये क्या होती है, मोनस। अब मुजक्कर है हमारे पास, यहां से आपको पता चल जाएगा मियां, तो इट्स मीन ये मेल है, मियां का क्या होगा, हम यहां से ढूंढते हैं जी बीवी, ठीक है।
यहाँ हम लिख देंगे मियाँ बीवी, उसके बाद है साहबजादा यानी बेटा, और अब देखें बेटी यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ औरत भी लिखा हुआ है, यहाँ खाला भी लिखा हुआ है, यहाँ साहबजादी भी लिखा हुआ है, तो साहबजादा और साहबजादी, ठीक है ये भी हमारा हो गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वर्ड बेटा, तो बेटा का वर्ड क्या होगा, हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं बेटी औरत और खाला, बेटा बेटी, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास मर्द, ये तो सबको पता है मर्द औरत, ठीक है। अब खालू खाला, हमारे पास लास्ट वर्ड क्या बचा, खाला, खालू एंड ट्रिट्स मेन, उनका मोनस क्या होगा, खाला, ठीक है। ये आपने सब यहां से सर्च करके लिखना है अपनी बुक्स पे, और ये इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और आपको कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा कुछ भी समझ ना आया हो, या किसी भी चीज को समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूं जो आपको समझ नहीं आया। इसके साथ ही आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह।